hello students welcome back to my channel Harshita education so in this video we are going to do unit 7 and in unit 7 we are going to do sundari so sundari is the lesson so in this let's read and enjoy this story so sundari was a big red white and blue kite sundari kaun thi sundari ek badi big means badi si red वाइट और ब्लू कलर की काइट थी जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वेन बॉबी मेड ह शी स्माइल डेट हिम तो जब बॉबी बॉबी कौन है यहाँ पर बॉबी इस लड़के का नाम है तो जब बॉबी ने इसको बनाया मेड का मतलब बनाया तो जब बॉबी ने इस काइट को बनाया तो ये जो सुंदरी है वो उस, उसके सामने स्माइल करके देखने लगी वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी स्माइल का मतलब स्माइल करना यानी कि आप जब प्यार से एकदम स्माइल करते हैं ना खुश होते हो उसको हम स्माइल बोलते हैं यू आर ब्यूटिफुल एंड आई विल कॉल यू सुंदरी ही सेट तो जो बॉबी था बॉबी ने कहा सुंदरी को कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो तुम बहुत सुंदर हो इसीलिए मैं तुमको सुंदरी बुलाऊंगा क्योंकि वो सुंदर है इसलिए वो उसको सुंदरी बुलाएगा तो ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है सुंदर ओके okay? वन डे बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर तो एक दिन वन डे का मतलब एक दिन जो बॉबी है वो सुंदरी को एक फेयर में ले जाता है फेयर मीन्स मेला मेले में आप लोग जाते होंगे ना तो बॉबी सुंदरी को एक दिन फ़ेर में ले जाता है The band was playing and everyone was smiling. तो जब वो लोग फेयर में जाते हैं तो वहाँ पर बैंड जो होता है बैंड मतलब ये जो गाना बजा गाना वाना बजाते हैं ना उसको हम यहाँ पर बैंड बोल रहे हैं तो वो लोग अपनी बैंड बजा रहे थे और मतलब धुन बजा रहे थे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजा रहे थे और सब लोग उनको देख के काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहे थे यानी काफ़ी ज़्यादा वो लोग खुश थे मेरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटल ट्यून मेरी गो राउंड का मतलब होता है वो जो गोल गोल घूमने वाला जो झूला होता है जो हम एक ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हैं मेरी गो राउंड की पोयम हम कर चुके हैं तो उसमें जो झूला आपको बताया ना मैरी गो राउंड गोल गोल घूमता है तो बस मेले में एक मैरी गो राउंड भी था तो वो गोल गोल जब वो घूमता था जब वो चलता था तो उसमें से एक मधुर सा एक ट्यून निकलती थी एक धुन निकलती थी जो कैसी ट्यून थी जिसको सुन के सब लोग खुश हो जाते थे हैप्पी हो जाते थे सो इट वाज़ कैरिंग लॉट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स राउंड एंड राउंड ऑन इट्स वुडन एनिमल्स तो उस मेरी गो राउंड पे वुडन एनिमल्स थे वुडन एनिमल्स मतलब लकड़ी से बने हुए काफ़ी एनिमल्स थे जिसके ऊपर काफ़ी सारे लड़के और काफ़ी सारी लड़कियाँ जो थे वो बैठे थे कैरिंग मतलब उसके ऊपर बैठना ठीक है तो काफ़ी सारे बच्चे उस पर बैठे थे और उस मेरी गो राउंड की वो लोग सवारी कर रहे थे बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई काइट सुंदरी लिफ्ट तो जो बॉबी था तो उसने उस मेले में देखा कि कहीं उनको एक ओपन स्पेस मिल जाए ओपन स्पेस मतलब एक खुली जगह मिल जाए खुला मैदान मिल जाए जहाँ पे वो जाके अपनी जो काइट थी उसको वो उड़ा सके फ्लाई का मतलब उड़ाना ओके okay? तो सुंदरी भी इसी तरह से देख रही थी कि कहीं उनको खुली जगह मिल जाए तो मैं उड़ सकूँ आउट इन द ग्रास रैन बॉबी होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड तो काइट को पकड़ के जो बॉबी था वो एक खुले मैदान मैदान में चला गया होल्डिंग का मतलब होता है पकड़ना ओके okay? तो वो एक खुले मैदान में चला गया पफ द विंड केम अलॉन्ग सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप अब जो हवा थी वो एकदम तेज गति से मतलब एकदम बहती हुई आई और सुंदरी जो थी जो सुंदरी मतलब कौन यहाँ पे हम पतंग के बारे में बात कर रहे हैं तो सुंदरी ने उड़ना शुरू किया बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई लेकिन वो बहुत ऊपर नहीं उड़ पा रही थी क्यों नहीं उड़ पा रही थी अ लिटल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल क्योंकि उस सुंदरी की जो टेल थी जो लॉन्ग टेल लॉन्ग टेल मीन्स ये जो लंबी सी जो पूछ है ना वो टेल का मतलब पूछ तो सुंदरी की जो लंबी सी टेल थी उसको एक लिटल यानी छोटे से डॉग ने यानी एक छोटे से कुत्ते ने अपने मुँह से पकड़ के रखा था इट वॉज हिज माउथ तो वो कुत्ते के मुँह में थी उसकी जो पूछ थी सुंदरी की वो किसके मुँह में थी कुत्ते के माउथ में थी माउथ मतलब मुँह में थी बॉबी शूट द डॉग अवे अब बॉबी ने जब देखा कि सुंदरी की जो पूंछ है वो उस कुत्ते के मुंह में है तो बॉबी ने क्या किया शू शू जैसे हम कभी कुत्ता आता है ना हम तो कैसे करते हैं शू 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 भाग 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 हम इस तरह से करते हैं ना तो शूट का मतलब यहाँ पे ये यह है वी विल ट्राई अगेन बॉबी सेड तो बॉबी ने कहा हम वापस से कोशिश करते हैं उसने कुत्ते को भगाया और उसने सुंदरी को बोला कि हम वापस से कोशिश करते हैं दिस टाइम सुंदरी लीप टपटा ए she tugged hard oh how she wanted Bobby to let go of her string तो अब इस बार क्या हुआ जो सुंदरी थी जब उसको मौका मिला तो वो हवा में एकदम लीप टप हो गई मतलब एकदम ऊंचाई तक वो चली गई जैसे ही उसको मौका मिला शी टकार्ड उसने बहुत कोशिश की और अपने आप को खींचने की कोशिश करी किसके हाथ से क्योंकि वो बॉबी के हाथ में थी तो उसने अपने आप को पूरी तरह से खींचने की कोशिश करी ताकि वह आसमान में जा सके और वो चाहती थी कि जो बॉबी है वो उसकी स्ट्रिंग को स्ट्रिंग मतलब उसकी जो डोर है उसकी जो डोरी है उसको वो छोड़ दे शी वांटेड वो चाहती थी वांटेड का मतलब वो चाहती थी कि बॉबी उसकी डोर को छोड़ दे शी गे अ बिग टग और उसने एकदम जोर से अपने आप को खींचा टग मीन्स यहाँ पे खींचने का है बॉबी हैड टू लेटर गो तो जब सुंदरी ने अपने आप को खींचा जोर से तो बॉबी को उसको छोड़ना पड़ा वी क्राइड सुंदरी हाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज़ और इस तरह से जैसे ही बॉबी ने उसकी डोर छोड़ी वो एकदम से आसमान में ऊपर और ऊपर उड़ती गई और उसने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया So, यहां पे आप देख सकते हैं हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है यू कैन सी ही देख सकते हैं जो सुंदरी है वो आसमान में अकेली उड़ रही है एंड शी शी वेंट अप अप इन द एयर और वो अकेली आसमान में उड़ रही है और वो मजे कर रही है ओके सो लेट्स सी चैप्टर बी ए डी बैंड तो बैंड यहाँ पर जो हमने फेयर में देखा था जो काफ़ी म्यूज़िक वगैरह बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ उनको हम बोलते हैं बैंड ओके डी आई डबल जेड वाई डिजी डिजी का मतलब यहाँ पे एक फोटो आप देख सकते हो एक लड़के की फ़ोटो है उसको क्या हो रहा है चक्कर आ रहे हैं तो डिजी का मतलब होता है चक्कर आना नेक्स्ट इज़ एस एम आई एल ई स्माइल स्माइल का मतलब होता है आप किसी को देख के खुश होते हो दैट इज़ कॉल्ड स्माइल नेक्स्ट इज़ एस टी आर आई एन जी स्ट्रिंग स्ट्रिंग का मतलब होता है डोर यानी डोरी नेक्स्ट इज टी यू जी टग टग का मतलब होता है आप पुल जोर से किसी चीज को खींचना सो दैट इज कॉल्ड टग नेक्स्ट इज डब्ल्यू आई एन डी विंड विंड का मतलब होता है हवा ओके नाउ लेट्स रीड आई फील डिजी ऑन अ मेरी गो राउंड दैट मीन्स जब मैं एक मेरी गो राउंड झूले पर बैठता हूँ तो मुझे कैसा फील होता है मैं कैसा फील करता हूँ डिजी यानी मुझे चक्कर आने लगते हैं ओके नेक्स्ट द बैंड वॉज प्लेइंग अ ट्यून जो बैंड था वो क्या कर रहा था एक ट्यून बजा रहा था एक धुन बजा रहा था ओके सर टिल यर इन अवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज पोशन टिल देन बाय बाय